और आगरा से बड़ी खबर है। आगरा के लिए राहत भरी खबर, कोरोना पॉजिटिव मरीजों के परिजन कोरोना निगेटिव निकले हैं। हांगकांग से भारत आया था कारोबारी, एयरपोर्ट से टैक्सी आगरा पहुंचा था कारोबारी, और कारोबारी की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आज आएगी। तो कोरोना को लेकर आगरा से राहत भरी खबर आई है। पॉजिटिव मरीज के जो परिजन थे, जिनका टेस्ट कराया गया था, उन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आपको बता दें कि ये व्यापारी हांगकांग से भारत वापस आया था, और वापस आने के बाद एयरपोर्ट पर कोरोना किया टेस्ट हुआ था, जिसमें पॉजिटिव निकला था, जिसके बाद परिजनों का भी कोविड का टेस्ट कराया गया, परिजनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और प्रदेश में कोविड को लेकर किया जा रहे मॉकड्रिल में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बलरामपुर अस्पताल में सुविधाओं का जायजा लिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ऑक्सीजन प्लांट चेक किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आदर्श सिंह ने, क्या कुछ खास सुनाते हैं आप। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, क्या मॉकड्रिल में मिला आपको? मॉकड्रिल में सब कुछ व्यवस्थाएं सुनिश्चित बढ़िया मिली है। हमने देखा है कि अच्छे ढंग से यहाँ काम हुआ, अच्छी तैयारी की है लोगों ने। पूरी तरीके से तैयार हैं हम लोग, पूरी तरह से तैयार है भाई। ऑक्सीजन प्लांट हम लोग देखने के लिए आए, ऑक्सीजन प्लांट मतलब सप्लाई देने के लिए तैयार है। हाँ, ऑक्सीजन प्लांट बढ़िया काम कर रहा है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस कैपेसिटी में है, कैसा है, वो चीजें चेक कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अंदर जाकर बेड और साथ ही साथ जो दूसरे उपकरण हैं, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स हैं, उसको चेक किया। और अब जो है यहाँ पर आप देखें तो ब्रजेश पाठक जो है वो चेक कर रहे हैं कि आखिर ये पूरा ऑक्सीजन प्लांट जो है वो कैसे चलता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं बलरामपुर अस्पताल की हैं, और इसी अस्पताल में ब्रजेश पाठक ने मॉकड्रिल के दौरान अपना हाफ जैकेट, हाफ कोट जो है वो एक मरीज को दिया, जो सिर्फ टी शर्ट में बैठा हुआ था, जिसको ठंड लग रही थी, और उन्होंने तुरंत उतार कर दिया, और अब जो है मॉकड्रिल के बाद बाहर आ रहे हैं। सर, एक तस्वीर देखने को मिली, आपने एक मरीज को अपनी हाफ जैकेट दी, क्यों? मेरे पास यही उपलब्ध थी और उसके पास स्वेटर नहीं था, तो मुझे लगा कि इसको मुझसे ज्यादा आवश्यकता है, और मैंने अपने स्टाफ से कहा कि इसको तत्काल एक पैंट शर्ट और ऊनी जैकेट ला करके दे। वो तुरंत जो आपके पास उपलब्ध था वो आपने दे दिया? हाँ, तत्काल जो मेरे पास उपलब्ध था मैंने दे दिया। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक हैं। एक तस्वीर ये भी देखने को मिली थी कि कैसे इन्होंने अपनी हाफ जैकेट जो है वो दे दी थी एक यहां पर मरीज जो टी शर्ट में मौजूद था, और ये बेहद कह सकते हैं एक अलग मॉकड्रिल से तस्वीर थी, जो आमतौर पर बेहद कम देखने को मिलती है। ब्रजेश पाठक का ये भी रूप देखने को मिला। फिलहाल की अगर हम बात करें तो बलरामपुर अस्पताल में इन्होंने न सिर्फ तमाम सुविधाओं का जायजा लिया, डॉक्टरों से चीजों को समझा, बल्कि इसके साथ साथ कौन कौन से इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, वो फंक्शनल हैं या नहीं है, इन तमाम चीजों की भी जानकारी ली और बताया कि सब कुछ ठीक है, व्यवस्थित है, और भविष्य में अगर जरूरत पड़ती है तो कोविड से लड़ने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। दिगुली सूफिकान के साथ आदर्श सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और इन्हीं खबरों के साथ रुकेंगे यहां पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन न्यूज स्टेट पर खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए है।